हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिजिटल तैयारी। आज की पजल है ये, आप वीडियो पॉज करके इस पजल को बना लीजिए। और हाँ, याद रखें कि स्टॉपवॉच लगाना ना भूलें। स्टॉपवॉच के साथ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने टाइमर में कितने पजल्स बना सकते हैं। ओके, तो अब हम हमारे पजल का सॉल्यूशन करते हैं। मुझे लगता है कि आपने पजल बना ली होगी। क्या दिया हुआ है? 8 persons sitting in a line facing the south, each was born in the different years. Years दे रखे हैं। First line दे रखी है, D is sitting second to the right of the B. एक बात है कि south और north direction, अगर one direction puzzle है तो हम इस direction को south select करके भी बना सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं होती है। अगर two sided puzzle होती है तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये वाला हमारा north होगा और ये हमारा south होगा। Okay, ये याद रख लेना। अब हम हमारे पजल पर आते हैं। D is sitting second to the right of the B. अगर ये मान लेते हैं कि B हमारा देख रहा है साउथ डायरेक्शन में, and D is sitting second to the right. C is third to the right of the A. ये बना लेते हैं यहाँ पे कि A के राइट थर्ड में C है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि लाइन में कहीं पर भी आ सकता है। C and A are born before the 2004. C और A 2004 से पहले हुए हैं, तो मतलब या तो 1, 2 and 3 में हो सकते हैं। Only one person who was born in the 2006 is exactly sitting between A and B. एक person बैठा है जो 2006 में born हुआ है A और B के, तो A यहाँ पे आ नहीं सकता। Confirm हो गया हमारा कि A यहाँ पर आएगा और जो 2006 में born हुआ है वो यहाँ पे। और अगर A यहाँ पे आया है तो दो स्पेस हमारा C यहाँ पे आ जाएगा। E who is the eldest? E सबसे बड़ा है, तो मतलब E जो है वो 01 में बॉर्न हुआ होगा, तो मतलब C और A जो है वो 2002 या 2003 में हुए हैं। E who is the eldest is not an immediate neighbor of A and D. A और D के नाइबर में हमारा E नहीं आएगा, मतलब E की जो दुश्मनी है वो किसके साथ है? A एंड D के साथ। H is older than only the D, मतलब H अगर हमारा 2007 में होगा और D जो है हमारा 08 में होगा, मतलब कि H is only older than D, तो हम यहाँ पे D का year भी लिख देते हैं। H is sitting second to the left of the G. अब इसमें हमारे कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती है? 1 कि हमारा जी यहाँ पे आ जाए और एच इसके लेफ्ट सेकंड में यहाँ आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम बना लेते हैं, कितने पजल्स पर्सन्स है? 8 पर्सन्स है, 3 और 3 6 हो। यहाँ पे बना लेते हैं कि हमारा एच इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द जी, एच 07 में, डी 8 06, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है G इज नॉट द नाइबर ऑफ द E, और E एक के नाइबर में भी नहीं आ रहा और G के नाइबर में भी नहीं आ रहा है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो जाती है। अब बोला है E यहाँ पे नहीं आ सकता है, नॉट D का नाइबर भी नहीं है, तो हमारे पास अभी एक पर्सन की जगह है, तो यहाँ पे भी ये आ सकता है या फिर यहाँ पे भी आ सकता है। उसके बाद दिया हुआ है A is younger than the C. A अगर C से younger है तो मतलब A 03 में आ जाएगा और हमारा C जो है वो 02 में आ जाएगा। B was born before the F. B जो है वो F से पहले born हुआ है। B was born before the F. Who is not the neighbor of the E? E का neighbor F नहीं है, तो अगर ये हमारा नहीं हो, ये मानते नहीं है, तो इन दोनों जगह में E और F आने हैं, बट E और F नाइबर नहीं है और E F का नाइबर नहीं है, तो यहाँ पे D का नाइबर नहीं है, सॉरी, तो यहाँ हमारा F आ जाएगा और यहाँ हमारा E आ जाएगा। अब बचे इनके ईयर्स। E तो है वो 01 में बॉर्न हुआ है, हमें पता है। देन H हो गया, B वॉज बॉर्न बिफोर द F, कौन से ईयर बचे हैं हमारे पास? 04 एंड 05।
बी पहले बॉर्न हुआ है तो बी हो गया 04 में और एफ हो गया हमारा 05 में. तो फाइनल सॉल्यूशन है हमारी पजल का ये. ओके, थैंक यू.